प्रिय दोस्त गुड मॉर्निंग। प्रत्येक दिन द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, प्रत्युत्तर दर्पण ये कड़ी में आज फर्स्ट क्वेश्चन बिहार के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है वह किस जिले में पता। हाल में रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले बिहार का स्थान कैमा है। दूसरा, हाल में मिसेज बिहार 2023 का खिताब किसने अपने नाम से किया, डॉक्टर रोहिणी। मखाना अनुसंधान केंद्र नेशनल रिसर्च सेंटर का मखाना अनुसंधान केंद्र को नेशनल रिसर्च का सेंटर का दर्जा दिया गया दरभंगा को। नेक्स्ट, बिहार के किस महिला ने मिसेज इंडिया सुपर नेशनल खिताब दिया गया, सिल्का को। नेक्स्ट, 21 मई से 2 जून 2023 हांगकांग में आयोजित होने वाली महिला बेसबॉल एशियन कप के लिए भारतीय बेसबॉल टीम के कोच चुना गया, मधु कुमारी बिहार का। नेक्स्ट, 20 से 25 मई तक फ्रांसिस्को में आयोजित सम्मेलन में अमेरिकन साइकलिट्रिक एसोसिएशन के सम्मान बिहार के किस व्यक्ति को मिला, डॉक्टर विनय कुमार को। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत मजदूरों के काम देने में बिहार के अव्वल जिला जमुई। संक्रामक बीमारी के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का स्थान दूसरा। पहला स्पॉट इंजरी एक अस्पताल स्थापित किया गया है, जयप्रकाश नारायण अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर के सीईओ के रूप में किसने नियुक्त किया गया, लिंडा एकानो को। 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती हरियाणा। सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम कौन बना, पटना। ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद हासिल करने वाले पहले बिहारी बने, समीर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के धान की नई किस्म सावर कुंवर का खोज किया गया, बिहार के धान की नई किस्म का। नेक्स्ट, नेशनल वाटर अवार्ड 2022 किसे मिला, यह मिला बिहार को, मिला तीसरा अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई कठिवारी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में राजकुमार राव बधाई हो, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में बधाई हो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री महिला में आलिया भट्ट गंगूबाई कठिवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, बने वर्ल्ड के नंबर वन खिलाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई, विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस 21 मई, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई, विश्व तंबाकू दिवस 21 मई। अवगेवीनाथ की मंदिर भागलपुर में है, अरिराज शिव मंदिर पूर्वी चंपारण में, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है, थावे मंदिर गोपाल में है, राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी में है, सोमनाथ मंदिर मधुबनी में है, देवकुली शिव मंदिर आपको शिवहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च सेनापति है द्रौपदी मुर्मू, CDS हैं अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि रवि और थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे थल सेना प्रमुख है। अब हम क्वेश्चन को डालते हैं, यह आपका क्वेश्चन है, एनएसबी की रिपोर्ट नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट के अनुसार 6 लोग को अरेस्ट किया गया है। 6 लोग को किसके रूप में अरेस्ट किया गया है, तस्करी के मामले में। कौन सा तस्करी है, आपको ड्रग की तस्करी के मामले में। भारत चाहता है कि ड्रग फ्री बने, इसलिए ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो ड्रग का काफी व्यापार करता है,
वैसे 6 लोग को गिरफ्तार किया गया, किसके द्वारा? भारत के द्वारा। यही आपको देख लीजिए, यही पर यहाँ पर है, यही है लिखा है, हग हॉल ऑफ LHDN मेरी जूनिया सिक्स हेल्ड ऑफ NSV नार्को द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा सेड हेयर एंड 6 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ड्रग्स के मामले में रोकने के लिए 6 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 508 डिस्ट्रिक्ट काउंटी आर फ्री मैनुअल सेविंग मिनिस्ट्री रिपोर्ट। भारत के कुल जिलों की संख्या 766 है, उसमें 508 जिला में एक रिपोर्ट आई है जो गंदा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, जो खास जाति के लोग, खास समुदाय के लोग, उसको फ्री किया गया है, उससे मुक्ति दिया गया है कि वैसे जाति वैसे समुदाय के लोग नाला साफ नहीं करे, सेवरेज साफ नहीं करे, उसको क्या किया गया है, फ्री किया गया है। यह रिपोर्ट आई है 566 जिले में, भारत के 566 जिले में यही कहा गया है कि भारत के 566 द डाटा बेयर ऑफ द रिलीज टू ब्लॉक ऑफ मिनिस्ट्री बॉकलेट ऑफ मिनिस्ट्री हैज ए रिपरेटिव आउटलाइन इज द अचीवमेंट ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द सेंटर ऑफ द ऑलमोस्ट एवरी द पार्लियामेंट सेशन द पास्ट 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में 508 जिले में जो खास जाति के लोग नाला सीवेज इत्यादि साफ करते हैं उसे क्या किया गया है, मुक्त रखा गया है। अब आइए, जो अमरनाथ यात्रा व्यक्ति करते हैं, शिव जी का निवास है, 23,000 श्रद्धालु को रहने के लिए ठहरने के लिए बनाया जा रहा है कि रास्ते में अमरनाथ यात्रा के गए थक गए व्यक्ति